ये जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसकी नींव मेरे माताजी और पिताजी ने रखी थी 2000 में, और 2003 में उनका ब्रह्मलोक गमन हो गया और माताजी का उसके बाद 2008 में। तो उनकी स्मृति में, क्योंकि मेरे पिताजी तो सेवा भावी बहुत थे, मरीजों की सेवा करना, अटेंडेंट की सेवा करना, जो भी उसकी जैसे सहायता कर सकते हैं वो करते थे। दूसरे हमको संगीत का बड़ा शौक था, तो उनकी स्मृति में हम हर साल, और एक बड़ी बात यह है कि जिस दिन उनकी जन्मतिथि है उसी दिन उनकी पुण्यतिथि है, 20 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी, उसी दिन वो पैदा हुए और उसी दिन 84 साल की उम्र लेके वो उनका देहावसान हो गया। तो दोनों चीज़ों को हम, और मदर भी थोड़े बाद में चली गई, तो सबको कंबाइंड करने के, क्योंकि जुलाई में गई थी मदर, तो वो बरसात का टाइम ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम ये प्रोग्राम हर साल 20 सितंबर के आसपास, जैसे भी आर्टिस्ट वगैरह की कन्वीनियंस होती है, कोशिश ये रहती है कि वीकेंड पे सैटरडे या संडे को ये प्रोग्राम हो। और शुरू से हमने प्रयास किया, ये 21वां प्रोग्राम है, कि जो नेशन के अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के, जैसे पंडित जसराज जी हैं और अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे इस प्रोग्राम को देने आए हैं, तो इस तरह की ये इवेंट होती है। और आज बुद्धादित्य मुखर्जी जो बड़े पद्मभूषण है और बहुत ही जबरदस्त सितार वादक हैं, पूरे देश में, पूरे दुनिया में इनका नाम है, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, उनको इसका प्रस्तुति देने के लिए हमने उनसे निवेदन किया और वो आज पधारे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी जो जो आए हैं आगंतुक मेहमान, वो सभी बड़े प्रसन्न होंगे उनकी प्रस्तुति सुनकर। सर, क्या हमेशा हर साल संगीत संध्या के रूप में उनकी पुण्यतिथि? या संग हमेशा संगीत संध्या की, और यूजुअली स्पिरिचुअल और क्लासिकल म्यूजिक का ही रखते हैं। हमारा शास्त्रीय संगीत एक अद्भुत कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए कलाकार रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जितना उसे इससे प्यार है, संगीत के कंसेप्ट से, क्लासिकल म्यूजिक के कंसेप्ट से, वो उसके पीछे उस तरह से खटेगा, मेहनत करेगा, और साथ में मेहनत का जो आनंद खुद उपभोग कर पाएगा, उसे वो सबके साथ शेयर कर पाएगा। लेकिन इसके ये रास्ता आज शुरू किया और कल तय हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत साल लगते हैं, डिकेड्स लगते हैं, और पेशेंस लगता है। और ये एक तरह से एक जो पर्वत समझ लीजिए, एक उसको क्रॉस करने से फल बहुत सुंदर होता है। सर, आपको लगता नहीं कि आज के दौर में सितार वादन जैसी चीज में गवर्नमेंट को भी अपने नेबर इसमें का इनिशिएटिव लेना चाहिए? किस तरह की चीज गवर्नमेंट अपने तरह से करती है? इनिशिएटिव बहुत तरह के हैं। हमारे देश में इनिशिएटिव की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है, जिनको इनिशिएटिव का रिजल्ट, जिसकी इनिशिएटिव लेने के लिए द यंग पर्सन, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके साथ में उसे पेशेंस चाहिए, समय चाहिए, वातावरण चाहिए। और आज के ज़माने में इट्स वेरी फास्ट प्रोग्रेसिंग वर्ल्ड, जिसमें समय का अभाव, देखिए पढ़ाई करना है, मैं खुद भी पढ़ाई किया था, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, आई एम एक्चुअली ए गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, अनएम्प्लॉयड ऑफकोर्स, सितार वादन मेरा प्रोफेशन है, 77 बैच का। सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि आप पढ़ाई करें और संगीत करें, ये इम्पॉसिबल नहीं है। कभी कभी सुनने को मिलता है कि पढ़ाई का लोड इतना है कि हम संगीत में उतना समय दे नहीं, इच्छा है लेकिन संगीत में समय दे नहीं पा रहे, लेकिन ये तो उसकी इंडिविजुअल बात है। शॉर्टकट होता तो फिर मैं भी वो उसका इस्तेमाल करता, ऐसा नहीं हो पाया। मुझे कम से कम 40-45 साल लगे अपने आप को कहीं पे ले जाने के लिए, जहाँ पे लोगों में मेरे प्रति विश्वास जगा। मेहनत तो करते ही रहे, मैं 16 साल की उम्र से स्टेज पे आया हूँ और अब यहाँ पे हूँ। और यूथ के लिए जो आपने खास तौर से पूछा, इसके लिए
जितना भी उनके पास डिस्ट्रैक्शंस हो उनको माइंड फोकस, अगर अगर इस पे रुचि है तो, सीरियस रुचि है तो माइंड को फोकस करके मेहनत करना पड़ेगा। डेडिकेशन, जो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डेडिकेशन, उसको हल्के अंदाज से लेने से नहीं चलेगा। इस डेडिकेशन के कारण व्यक्ति को कितने अपने इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है वो जैसे ही वो काम शुरू करेगा उसे खुद समझ में आ जाएगा।